उधर खानकाह जोगरा में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर में सेहत मेले का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने मेले का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज मजहर इकबाल शेराजी अपनी रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह खानकाह डोगरा में भी आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें देने के लिए मुकामी रूरल हेल्थ सेंटर में सेहत मेला का इनकाद किया गया है। ये मेला 6 रोज तक जारी रहेगा। इस मेला में मुकामी सीनियर डॉक्टर्स के अलावा दीगर अस्पतालों से भी डॉक्टर्स इलाज मुआवजे के लिए शिरकत कर रहे हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मलिक मुश्ताक आलम टिवाना सेहत मेले की निगरानी करेंगे। इस मेले में मरीजों के लिए फ्री ECG, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और हेपेटाइटिस समेत दीगर तमाम जरूरी टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं, जबकि किसी भी बीमारी की तशखीस की सूरत में मरीज का मुकम्मल इलाज किया जाएगा और उसे फ्री मेडिसिन भी मुहैया की जाएगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मलिक मुश्ताक आलम टिवाना का कहना था, ये 6 दिन तक जारी रहेगा और इसमें मिनिमम 1200 मरीज जो हैं वो चेक किए जाएंगे। इस सेहत मेले में 7 स्टेप ट्रीटमेंट जो है वो मरीज को फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम शुरू करके गरीब आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात एक ही छत तले फराहम की हैं। पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत पर आवाम को सेहत की आला सहूलतें की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से लगाया गया सेहत मेला में आवाम को सेहत की तमाम बेहतरीन सहूलतें एक ही छत तले दस्तियाब हैं। कैमरामैन अजमल शाहिद के साथ मजर इकबाल शिराजी, वक्त न्यूज़, खानकाह डोगरा।